आज के वीडियो में हम लोग EFGS से स्टार्ट होने वाला ऐसे 23 वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वर्ड जो होता है हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा बार बार आते रहते हैं, इसे हमें डेली लाइफ में भी यूज करना पड़ता है, हमेशा याद रखना जरूरी है, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। इसके बिना ट्रांसलेशन और इंग्लिश अधूरा है। तो यहाँ पे इससे पहले मैं ए बी और सी डी के बारे में 10-10 वर्ड बताया था, अभी यहाँ मिक्स है EFGH के बारे में टोटल 23 वर्ड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए वीडियो का पूरा आंसर देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे EAT, ईट, ईट मीन्स क्या हुआ, खाना, ये हमेशा यूज होता है। सेकंड नंबर पे है ENTER, इसे क्या पढ़ेंगे, एंटर, एंटर मीन्स अंदर आना, ये भी हमेशा यूज होता है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे है ELECT, इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स चुनना, जैसे इलेक्शन होता है ना तो चुनते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होगा, FALL, फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल, फॉल मीन्स गिरना। फिफ्थ नंबर पे है FAAD, क्या होगा, फीड, फीड मीन्स खिलाना, जैसे किसी खाना खिलाते हैं या किसी को चारा खिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, खिलाना, फीड। सिक्स नंबर पे होगा FIGHT, क्या पढ़ेंगे इसे, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, जो हमेशा लड़ाई होता है, फाइट मतलब ही लड़ना होता है। सेवंथ नंबर पे क्या होगा, FIND, हैंड, हैंड मीन्स पाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट नंबर पे होगा FLY, फ्लैग, फ्लैग मीन्स उड़ना, अदर फ्लैग, FLY, फ्लैग, फ्लैग मीन्स उड़ना। नाइन्थ नंबर पे है FORGET, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स क्या होगा, भूलना। टेंथ नंबर पे है FRY, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्राई, फ्राई मीन्स तलना, जैसे मछली तलते हैं ना उसे फ्राई बोलते हैं, फ्राई मीन्स तलना, ये ऊपर भूलना का है ये बोला। उसके बाद है FEEL, फील, फील मतलब महसूस करना, जब हाउ फील, जैसे फील करना होता है ना, हाउ आई फील वेरी फाइन, इस तरह बोलते हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो फील मतलब महसूस करना। उसके बाद 12 नंबर पे है GET, गेट, गेट मतलब क्या होगा, पाना। 13 नंबर पे है GIVE, गिव, गिव मीन्स देना, हमेशा यूज होता है। 14 नंबर पे है GO, गो, गो मीन्स जाना, कहीं जाने की बात होता है तो क्या बोलते हैं, गो, गो मीन्स जाना। GROW, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रो, ग्रो मीन्स उपजाना या उपजना, यानी कोई फसल उपजाते हैं ना उसे ग्रो बोलते हैं। 16 नंबर पे है HANG, इसे क्या पढ़ेंगे, हैंग, हैंग मीन्स लटकाना या लटकना, और एक और हैंग होता है HANG, हैंग, हैंग मतलब क्या होगा, फांसी देना। 18 नंबर पे क्या है HEAR, इसका हमेशा यूज होता है हियर, हियर मीन्स सुनना, कोई बोलता है ना तो क्या हम लोग क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनना। एक और होता है हियर मीन्स क्या होता है, लिसन, LISTEN, लिसन, लिसन मतलब भी क्या होता है, सुनना, और हियर मीन्स भी सुनना होता है। 19 नंबर पे HELP, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, किसी की मदद करना, हेल्प करना कहलाता है। 20 नंबर पे HIDE, इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड, हाइड मीन्स क्या होगा, छिपाना, जैसे हम मोबाइल भी क्या करते हैं, कुछ भी छिपा देते हैं या कहीं पे भी छिपा देते हैं, क्या बोलता है, हाइड करके रखे। 21 नंबर पे क्या होगा, HABE, हाइड, हाइड मीन्स रखना या पास, तो क्या बोलते हैं, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, इंग्लिश में भी यूज करते हैं, ग्रामर में, टेंस में भी यूज करते हैं। 22 नंबर पे HIT, हिट, हिट मतलब चोट करना, जैसे बैट बॉल खेलते हैं ना तो बॉल को क्या करते हैं, हिट करते हैं, चोट करते हैं। 23 नंबर पे क्या होगा, HOLD, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, और एक और होल्ड होता है, एक और होल्ड होता है, जैसे CATCH, कैच, कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, इसका मतलब भी पकड़ना होता है और इसका मतलब भी पकड़ना होता है, ये पकड़ना हो गया यानी हाथ को पकड़ लिए या किसी चीज को पकड़ना होता है। कैच मतलब कोई दूर से कोई फेंक रहा है, जैसे बॉल, बॉल को फेंक रहा है तो उसे कैच करते हैं ना, ऊपर से नीचे क्या देखते हैं तो उसे कैच करना, वो पकड़ना बोलते हैं, और होल्ड मतलब हाथ को ऐसे होल्ड किए उसे बोलते हैं। तो इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें, ताकि कोई मैं रेगुलर जब कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सीधे आपके पास मैसेज आएगा, इससे आप वीडियो को देख सकते हैं।